ना छोड़ूंगा सोनी है, यही बोलते बोलते अली निकल आए हैं डिम्पी के पीछे पीछे, वो भी बिग बॉस के घर से बाहर। जी इसलिए निकल आया क्योंकि हम मैं टॉम हूँ और ये जेरी, जब जेरी भागता है कहीं तो उसके पीछे पीछे टॉम आता है, तो ये निकल आए तो मैं कहना कहा यार मैं क्या करूँगा अकेला बिग बॉस के घर में रह के, तो मैं भी अपने दोस्त के पीछे पीछे टक 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 से बाहर आ गया। ये वहाँ आपके पीछे जैसी लपकती थी, मतलब शेरनी की तरह आप पे झपटती थी, यहाँ पर बाहर भी झपटने वाली? नहीं नहीं झपटेगी नहीं, वहाँ पे भी नहीं झपटती थी। दरअसल क्या है कि 45 मिनट्स आप लोग देखते थे, 24 घंटे हम बहुत मजा करते थे, लेकिन उन 24 घंटे में कभी कभी ऐसे दुख भरे मोमेंट होते थे जब ये झपटती थी मेरे ऊपर, लेकिन मैं पेशेंस कर लेता था, मतलब सब्र आ जाता था मुझे। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं इनके ऊपर कूदूंगी, क्योंकि जितना भी निकालना था भड़ास मैंने घर के अंदर ही निकाल दिया, अब तो ना होगा हमसे, अब ना हो पाएगा। कैसा रहा आपका ये सफर दोनों का? बहुत ही सफरिंग भरा सफर था, बहुत सफरिंग था, टॉर्चर था, सफरिंग था, और एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। मतलब बिग बॉस के घर में जो रह लिया वो 7 जन्म लेके बहुत अच्छे से रह सकता है दुनिया में। नो डेफिनेटली, बट दिस होल एक्सपीरियंस मेक्स यू वे मोर स्ट्रॉन्गर। मतलब चीजें जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी, इवन इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम्स एज अ वाइल्ड कार्ड इनसाइड द बिग बॉस हाउस, मैंने वो कर दिखाया और मैं अपने आप पे नाज लेती हूँ। तो कोई वाइल्डेस्ट मेमोरी? अब रिमाइंड मत करो। वायरलेस मेमोरी जब ये आज सुबह आती थी सुनू, और मैं आके इसको प्यार से मनाता था, और जब मैं आंसू आता था तो ये भी आके मुझे प्यार से मनाती थी, तो हम लोगों ने बहुत साथ में यार वक्त गुजारा। वाइल्ड भी थी मेमोरीज, आपस में हम बहुत लड़े भी बिल्ली कुत्तों की तरह, यू नो गार्डन में बहुत बार, बेडरूम में भी लड़े, बहुत जगह लड़ाई तो खैर बहुत हुई। कौन कौन सी लैंग्वेज हुई हमें भी नहीं पता। काफी मेमोरीज तो डिम्पी याद आई गई जब राहुल भी वापस आए घर में, तो उसके लिए क्या कहेंगे, कितना क्या क्या याद आया और कितना अच्छा कंफर्टेबल फील हुआ आपको वहाँ पर राहुल के आने के बाद? डेफिनेटली मेरा और राहुल का रिश्ता जो था, जिस मोड़ से गुजर रहा था बिग बॉस के घर में जाने से पहले, तो वहाँ से मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राहुल घर में आएगा, तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। बट मैं वैसी इंसानी नहीं हूँ जो सिर्फ नेगेटिव्स को पकड़ के आगे बढ़ते रहे, तो जाहिर सी बात है एक शादी में नेगेटिव्स जितने होते, एक शादी जो टूटने वाली है उसमें जितनी नेगेटिव बातें होती है उतनी पॉजिटिव बातें होती है। तो ये शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर था कि 1.5 साल में हमने बात नहीं की, तो एक दूसरे का जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। बट फिर जैसे ही हम कनेक्ट कर पाए एक दूसरे के साथ, इट वॉज़ लाइक वी आर बैक टू बींग फ्रेंड्स अगेन, और जो मेरी मजबूरी होके घर के अंदर आए थे वो मेरी कमजोरी, सॉरी जो मेरी कमजोरी बन के घर में आए थे वो कहीं ना कहीं मेरा ताकत बन गया, एंड आई फेल्ट रियली गुड कि घर के अंदर फॉर अ चेंज आई हैव अ फ्रेंड। इसीलिए बहुत अफसोस हुआ जब वो घर से चला गया। अच्छा बात करें, गौतम विनर बन चुके हैं, तो कैसा क्या बोलेंगे उन लोग, उनको क्या विश करना चाहेंगे? उनको हम शुभकामनाएं देंगे, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब ने स्ट्रगल किया था, जैसे you know it's merely a formality to pick up that trophy, lekin hum sab champions the, Dimpy, Karishma, Pritam, main, Gautam, hum sab champions the, aur champions mein se ek winner choose karna tha, aur janta ke paas mein bahut sakht एक डिसीजन लेनी थी, उनको उन्होंने ली, और इसकी इसका मतलब ये नहीं कि जनता ने हमें प्यार नहीं किया, जनता ने सबको बराबर प्यार किया, किसी को थोड़ा सा ज्यादा। इसीलिए 24 कंटेस्टेंट्स में हम 5 थे, हम 5 थे टॉप 5। चलिए जाते जाते अपने ऑडियंस से एक बार फिर से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू शोड टू अस। हम घर में बाद आए, बहुत बाद आए, लेकिन उसके बाद भी जितना प्यार आपने दिया है हमें, हम जिंदगी भर याद रखेंगे, और जिंदगी भर आपको इसी तरह से एंटरटेन करेंगे। जनता लव यू, खुदा हाफिज़। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। लोनावाला से कैमरामैन फैजान के साथ नूपुर मावजी फॉर टेली मसाला।